हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम सूर्य देव की कर्क लग्न के 10वें भाव की प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको ये बताएंगे कि अगर सन कैंसर असेंडेंट के 10th हाउस में प्लेस हो जाएं, तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारा चैनल देखते हैं, हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य देव 10 नंबर हाउस में एग्जॉल्ट कर जाएंगे, यानी कि एक नंबर राशि में आ जाएंगे, और सूर्य देव का एग्जॉल्टेशन 10 डिग्री में होता है। अगर सूर्यदेव एक डिग्री से लेके 13.2 डिग्री तक हैं, तो ये एग्जॉल्टेशन के आसपास ही माने जाएंगे, क्योंकि ये अश्विनी नक्षत्र में आपको मिलेंगे और अश्विनी नक्षत्र में ही सूर्यदेव एग्जॉल्ट होते हैं। तो बिगनिंग की राशि में सूर्यदेव को अच्छा ही माना जाएगा, बिगनिंग की डिग्री में सॉरी। और यदि सूर्यदेव 10 डिग्री के आसपास हैं, तो एग्जॉल्टेशन डीपेस्ट रहेगी, और जितनी ये डिस्टेंस इनका बढ़ जाएगा, उतनी इनकी एग्जॉल्टेशन में डेफिशिएंसी आएगी। देखिए दोस्तों, अब हम ये चर्चा करते हैं कि 10वें घर में नॉर्मली अगर सूर्य देव एग्जॉल्टेशन के आसपास हैं, तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स देंगे। 10वां घर जो है हमारे कैरियर का है, एंड सन इज ए लॉर्ड ऑफ सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस का संबंध जब भी 10वें घर से हो जाता है, तो ये एक धन योग का निर्माण हो जाता है, यानी कि कैरियर में आदमी बहुत पैसा कमाता है, बहुत ही रुतबा कमाता है। रुतबा मीन्स यानी कि शान और शौकत, उसकी प्रेस्टिज और सेल्फ स्टीम बहुत बड़ी रहती है, सोशल रिस्पेक्ट उसकी बहुत ज़्यादा होती है, लोग उसको जानते हैं, दूर दूर तक जानते हैं, और वो किसी ऐसी पोजीशन में हो सकता है जिसमें उसकी सोशल नेम एंड फेम काफी ज्यादा हो। अगर वो किसी अपने भी काम में होता है, तो उसका सोशल रिकॉग्निशन और सोशल रिस्पेक्ट काफी ज्यादा होती है, क्योंकि 10वां घर हमारा अथॉरिटेटिव लोगों का है। इस इंसान के कनेक्शंस बड़े लोगों से भी होते हैं, पॉलिटिकल लोगों से भी होते हैं, और गवर्नमेंट मशीनरी के बड़े लोगों से भी होते हैं। तो इस इज ए वेल कनेक्टेड, ही इज कंसिडर्ड टू बी ए वेल कनेक्टेड पर्सन व्हेन दिस पोजिशन ऑकर्स। 10वें घर में जब सूर्य कैंसर लगन का आ जाए, तो ये आदमी बड़े लोगों के आसपास रहता है, बड़े लोगों से वेल कनेक्टेड रहता है, गवर्नमेंट मशीनरी से जानकारी होती है, कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होते हैं, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन भी हो सकता है। अगर ये इंसान अच्छी पढ़ाई लिखाई करके और गवर्नमेंट पोजीशन में भी आ सकता है, पावरफुल पोजीशन में आ सकता है, इसके फादर भी कहीं ना कहीं वेल रिप्यूटेड आदमी होते हैं इस प्लेसमेंट के बेसिस पे, और ये फादर की पूरी वेल्थ को यूज करता है अपनी लाइफ में, और अपने फादर की इनहेरिटेंस में पूरा इसका पार्टिसिपेशन होता है। ऐसे लोग फादर की पोजीशन भी कभी कभी ले लेते हैं, यानी कि किसी बिजनेस में फादर की पोजीशन लेके दे सक्सेस देयर फादर्स बिजनेस। और दूसरा, ऐसे लोग ब्लेस्ड ही होते हैं अगर सूर्य एक डिग्री से 13.2 डिग्री तक है तो। और उसमें भी हमें दो तीन चीजें और देखनी पड़ेंगी। पोजीशन तो ये बहुत पावरफुल है, लेकिन हमें इसमें मंगल की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी और केतु की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। अगर हमने ये दो पोजीशंस और देख ली, तो हम बहुत ही एक्यूरेसी के नजदीक रहेंगे इन प्रेडिक्शंस में। यानी कि मंगल जो है वो लगन में नहीं होना चाहिए, यानी नीच का नहीं होना चाहिए, और छठे आठवें बारहवें में नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गई मंगल की पोजीशन। और केतु की जो प्लेसमेंट है, वो किसी अच्छे घर में होनी चाहिए, यानी कि 2, 4, 5, 9, 11 दूसरे घर में, चौथे घर में, 9th हाउस में, 11th हाउस में अगर केतु है, तो ये हमें बहुत बड़ा धन योग क्रिएट करने में सफल हो जाएगा ये सूर्य। हालांकि केतु का सेकंड हाउस में बैठना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर
सूर्य देव एग्जॉल्टेड साइन में है और वो अश्विनी नक्षत्र में है और केतु सेकंड हाउस में बैठ जाता है, तो ये केतु हमें वेल्थ से बहुत ब्लेस कर देगा। तो यहाँ कनेक्शन दूसरा बन जाएगा, यानी कि सूर्य और केतु का बन जाएगा एग्जॉल्टेड सन, यहाँ पर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। और दोस्तों आगे हम देखते हैं यहाँ से और हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए यहाँ बैठा हुआ सूर्य देखेगा चौथे घर को, चौथे घर में शुक्र की राशि पड़ी हुई है, हालांकि सूर्य देव का एनिमी है, वीनस तो एनिमी है सन का, लेकिन फिर भी एग्जॉल्टेड सन विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्लेस द फोर्थ हाउस आल्सो, फोर्थ हाउस का भी ध्यान रखेगा और फोर्थ हाउस में भी कुछ न कुछ हमें ब्लेसिंग्स रहेंगी, यानी कि हमें सुख सुविधाएं सारी रहेंगी। और यहां एग्जॉल्टेड सन में एक हमें पुत्र की ब्लेसिंग भी लाइफ में मिलने के चांसेस रहते हैं, संतान का अगर देखा जाए तो। और दूसरा हम यहां पर बड़े अथॉरिटेटिव, हमारा जो लाइफ स्टाइल होगा, हमारा जो स्पीच पैटर्न होगा वो बहुत अथॉरिटेटिव होगा, लोगों से हम जब बात करेंगे तो हम अपने बड़े सेल्फ प्राइड में बात करेंगे, बड़े कॉन्फिडेंस में बात करेंगे, विल पावर बढ़ जाएगी, हमारी बोन्स जो है वो मजबूत होंगी, अगर अश्विनी नक्षत्र में सूर्य है तो हमारी बोन्स मजबूत होंगी और करेज एंड कॉन्फिडेंस हमारा अच्छा रहेगा, ब्रेवरी रहेगी, जिस चीज को हम जिस बात को करेंगे उसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे और सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, यानी कि हमारा जो करेज है या हमारा जो ब्रेन है वो काफी अच्छा रहेगा, हम सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। और एग्जॉल्टेड सन से हम सेल्फ रिस्पेक्ट का भी बहुत ध्यान रखेंगे, समाज में हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का पहुंचे, क्योंकि सूर्य एक सात्विक प्लैनेट है और हम ट्रूथफुल होंगे, यहाँ पर हम सच बोलने वाले इंसान होंगे क्योंकि सूर्य एक सात्विक प्लैनेट है। हमारी जो फैमिली है वो हमें पूरा सपोर्ट करेगी, फादर की फैमिली से हम वेल कनेक्टेड रहेंगे क्योंकि टेंथ हाउस फादर की फैमिली का भी हाउस है, फादर की वेल्थ का भी हाउस है। फादर की फैमिली से यानी कि चाचे वगैरह जो हमारे हैं या फादर के जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे हम वेल कनेक्टेड रहेंगे और उनका पूरा फायदा उठाएंगे और वो भी हमारी रिस्पेक्ट में, सोशल रिस्पेक्ट में बढ़ोतरी करेंगे। और दोस्तों यहां पर हम फादर की वेल्थ को भी पूरा यूज करेंगे। तो दोस्तों इस तरह के बेनिफिट्स हमें सूर्य देव देंगे। और अब यहां पर देखिए दूसरा नक्षत्र यहां मिलता है भरणी नक्षत्र। अगर सूर्य देव भरणी नक्षत्र में है तो यहां पर कुछ डेफिशिएंसी वगैरह आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि भरणी में सूर्य देव का जो एग्जॉल्टेशन है वो डाइल्यूट हो जाता है क्योंकि शुक्र देव का नक्षत्र है, शुक्र और सूर्य में एनिमिटी है। तो दोस्तों अगर भरणी नक्षत्र में सूर्य देव बैठे हैं तो शुक्र का सूर्य के साथ बैठना अच्छा नहीं माना जाता, शुक्र किसी अच्छे हाउस में प्लेस्ड है तो यहां फिर भी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये वाले सारे रिजल्ट्स विद सर्टेन डेफिशिएंसी मिलेंगे अगर शुक्र देव किसी अच्छे हाउस में बैठे हुए हैं, और शुक्र देव अगर पहले दूसरे चौथे पांचवें नौवें या ग्यारहवें घर में प्लेस्ड है तो यहां हमें अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा माना जाता है। और दोस्तों तीसरा नक्षत्र जो है वो कृतिका नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र सूर्य देव का अपना ही नक्षत्र है तो उसमें हमें किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहां पर अगर कृतिका में सूर्य देव पड़े हुए हैं तो हम फिर सिर्फ मंगल और मून की पोजीशन देख के ही अनुमान लगा सकते हैं कि यहां हमें ये सारी चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों यहां पर अगर चंद्र की पोजीशन भी अच्छी है, यानी कि चंद्र पहले दूसरे चौथे पांचवें सातवें नौवें और दसवें घर में बैठा हुआ है तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी, और ऐसा माना जा सकता है कि चंद्र की प्लेसमेंट भी ठीक है और डिस्पोजिटर जो मंगल है उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी आ जाए और सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी आ जाए तो ये सारी की सारी ब्लेसिंग्स यहाँ जरूर मिलेंगी, आदमी एक बहुत ही हाई लेवल की लाइफ लीड करेगा, बहुत ही वेल कनेक्टेड रहेगा, बहुत ही प्रोस्पेरस रहेगा, बहुत पैसा कमाएगा
और उसका जो नाम है वो काफ़ी फैलेगा, मतलब ही विल अर्न ए लॉट ऑफ नेम एंड फेम, और उसके अपने एफर्ट्स भी फैमिली की वेल्थ को बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे हमेशा और प्रयत्नशील रहेगा वो। तो ये सारे के सारे फल हमें तभी मिलेंगे जब हमारी जो कनेक्टेड प्लैनेट्स हैं, नक्षत्र के लॉर्ड और डिस्पोजिटर और असेंडेंट, इनकी प्लेसमेंट अच्छी होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है। नाउ यू कैन वेल एनालाइज दिस पोजिशन बाई व्यूइंग द प्लेसमेंट ऑफ वेरियस प्लैनेट्स विच आर कनेक्टेड टू सन। Thank you very much once again. Have a nice time. Take care of yourself and your family. We'll see you soon. Thank you very much.